नमस्कार दोस्तों, मैं अंशुल त्रिपाठी, आपका ज्योतिष एवं वास्तु शास्त्री। आज हम बात करेंगे अंक ज्योतिष के बारे में। अंक ज्योतिष की एक श्रृंखला हम बना रहे हैं, 1 से 9 मूलांक के लिए कैसा रहेगा सन 2021। आज हम बात करेंगे 3 मूलांक के बारे में, 3 मूलांक वालों के लिए कैसा रहेगा सन 2021। 3 मूलांक उन लोगों का होता है जो किसी भी महीने की 3 तारीख, 12 तारीख, 21 तारीख एवं 30 तारीख को जन्म लेते हैं। 3 मूलांक के स्वामी बृहस्पति हैं। अंक ज्योतिष में 3 पायदान होते हैं, मूलांक, भाग्यांक, नामांक, और इन्हीं तीनों के आधार पर किसी भी व्यक्ति के बारे में अंक ज्योतिष के माध्यम से अधिक जानकारी प्राप्त की जा सकती है। इस एपिसोड में हम केवल मूलांक के बारे में बात करेंगे कि 3 मूलांक कैसा रहेगा सन 2021 के परिप्रेक्ष्य। सन 2021 जिसके टोटल योग करने के बाद 5 मूलांक प्राप्त होते हैं, जिसके स्वामी बुध है। अब 3 और बुध का एक संयोग बनेगा जो निर्धारित करेगा कैसा रहेगा सन 2021। बृहस्पति अपने अंदर अपार तार्किक क्षमता, बौद्धिक क्षमता, कार्य कुशलता को लिए रहता है। हां, प्रारंभ में बृहस्पति अर्थात 3 मूलांक वालों में चंचलता होती है, कार्य की शुरुआत में थोड़ी विलंब की स्थिति देखी जाती है और अपने प्रारंभ के क्षणों का उतना अच्छा सदुपयोग नहीं कर पाते। वहीं बुध एक व्यवसायिक ग्रह है अर्थात 5, अपने लक्ष्य के प्रति हरदम सतर्क रहता है, लेकिन पूर्ण भौतिकवादी अंक है। वहीं बृहस्पति आध्यात्मिक और भौतिकवादी दोनों का एक अद्भुत संयोग है। वर्ष 2021 3 मूलांक वालों के लिए इस संदर्भ में शुभ रहेगा। शुभता की श्रेणी में सबसे पहले हम बात करेंगे नौकरी पेशे वालों के लिए। एक अच्छा सहयोग बनेगा। यह वर्ष आपको आगे की तरफ ले जाएगा। आपके रुके हुए प्रमोशन या तनख्वाह अगर आपकी नहीं बढ़ी है अभी तक पिछले साल तक, वो इस बार बढ़ने में सहयोग करेगा। हाँ, अपने ऊपर वाले अधिकारी से वैचारिक मतभेद से बचिएगा। उनके दिए हुए कामों में थोड़ी सी सावधानी बरतिएगा, नहीं तो बुध गुप्त शत्रुता भी कभी कभी बृहस्पति के साथ निभाता है, जो आपको किसी नई समस्या में भी डाल सकता है। स्वास्थ्य के परिप्रेक्ष्य में अगर बात की जाए तो बृहस्पति अर्थात 3 मूलांक वालों के लिए वात और कफ की समस्या रहती है, लेकिन इस वर्ष इस दोनों समस्याओं में आप शुभ संकेत देखेंगे। हाँ, थोड़ी सी फैटनेस बढ़ने की समस्या पाई जाएगी और मानसिक अस्थिरता भी पाई जाएगी, इसलिए हम आपको अंत में चलते हुए कुछ उपचार भी बताएंगे, जिससे जो कमियां हम आपको बताते चलेंगे उनमें बचाव किया जा सकेगा और शुभता में वृद्धि होगी, इसलिए आप पूरा वीडियो देखिएगा। मानसिक चंचलता और एक साथ कई विचारों की समस्या भी आप देखेंगे, जो इस वर्ष थोड़ा अधिक रहेगी। पति पत्नी के जीवन में अगर बात की जाए तो वैवाहिक दृष्टि से अच्छा वर्ष है, संतान की दृष्टि से अच्छा वर्ष है, लेकिन फिर हम कहेंगे कि आप अपने लाइफ पार्टनर या व्यवसायिक पार्टनर के साथ वैचारिक मतभेद से बचिएगा। साथ में ऐसी स्थितियां ना पैदा हों जैसे प्रकट हो कि आपने उसके साथ चीट किया है या उसने आपके साथ चीट किया है। ये स्थितियां इस वर्ष पैदा हो सकती हैं। दोनों के वैचारिक समस्या में वृद्धि देखी जा सकती है, थोड़ा इस चीज को बचाइएगा। हाँ, जिन विषयों पर आप खुल के बात करेंगे उनमें होने वाली समस्याएं धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगी। ये रहा लाइफ पार्टनर के संबंध में। पुत्र के संबंध में 3 मूलांक वालों के लिए अच्छा वर्ष है। संतान की के स्वास्थ्य संबंधी समस्या थोड़ी सी अगर कही जाए तो केवल चर्म रोग और
इन्फेक्शन संबंधी समस्याएं भले थोड़ी बहुत देखी जाए, शिक्षा के परिप्रेक्ष्य में यह वर्ष अच्छा जाएगा और जो लोग नए संतान की इच्छुक हैं उस परिप्रेक्ष्य में से इस वर्ष में भी आप शुभ संकेत पाते हैं, आपको योग्य और अच्छी संतान प्राप्त होगी। घर और वाहन के बारे में अगर बात किया जाए, बृहस्पति बड़े वाहन और अच्छे मकान के लिए सूचना दे रहा है। यह वर्ष आपकी इच्छा पूर्ण होगी क्योंकि तीन बुध इन चीज़ों में आर्थिक सहयोग करेगा, जिससे यह वर्ष आप इन कार्यों को करने में कहीं न कहीं सफल होंगे। अब बात कर ली जाए सामाजिक स्थिति की, तो तीन मूलांक वालों के लिए एक चीज़ मैं विशेष कहूँगा कि बृहस्पति कहीं न कहीं गुप्त के साथ गुप्त शत्रुता बुध निभाता है, इसलिए अपने किए हुए कामों की पूर्ण प्रामाणिकता पूर्ण आधार रखिएगा, नहीं तो किसी न किसी महीने आपको थोड़े से परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे तो आपका मार्च का महीना, जुलाई का महीना, दिसंबर का महीना बहुत ही अच्छा जाएगा, अप्रैल के महीने में, जून के महीने में और नवंबर के महीने में थोड़ा सा दबाव की स्थितियां आप देख सकते हैं शारीरिक और मानसिक स्थिति पर। चलते चलते हम आपको कुछ उपचार बताते चलते हैं। तीन मूलांक वाले अपने जीवन में पीले चंदन का प्रयोग जरूर करें, शरीर पे कहीं न कहीं पीले वस्त्र का प्रयोग करें और विष्णु जी के दर्शन को बृहस्पतिवार को अगर करते हैं तो इनके रुके हुए कामों की पूर्ति होती है। विष्णु जी का मंदिर अगर नहीं मिलता है तो आप राम और कृष्ण के मंदिर में भी जाकर पूजन अर्चन कर सकते हैं, तो आपका जो भी मांगलिक काम, आर्थिक काम या शारीरिक समस्या आ रही है इन कामों में आप देखेंगे कि धीरे धीरे समस्याएं समाप्त हो जाएंगे। और अधिक जानकारी के लिए आप दिए हुए नंबर पर कॉल कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। अंक ज्योतिष से संबंधित या कुंडली से संबंधित, वास्तु से संबंधित। धन्यवाद। श्री राधे। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो इसे लाइक करना ना भूलें। ज्योतिष और पंचांग से जुड़ी जानकारी हम आपके लिए लाते रहेंगे, तो आपके अपने YouTube चैनल ज्योतिष पंचांग को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन लगातार मिलती रहे।